देखिए, करियर के लिए इंटरव्यूज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। आज हम बात करने वाले हैं इंटरव्यू से पहले आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। इसको देखिए, हमने तीन सेक्शंस में डिवाइड किया है। सबसे पहले है ड्रेस। फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए आपकी। फॉर्मल मीन्स प्लेन शर्ट्स या लाइनिंग शर्ट्स हो, ज़्यादा मल्टी कलर ना हो, फुल स्लीव्स हो, नीट एंड क्लीन हो, प्रेस्ड हो। शूज़ आपके ब्लैक या ब्राउन फॉर्मल लेदर वाले होने चाहिए। प्रॉपर बेल्ट हो मैचिंग शूज़ के अकॉर्डिंगली। लाइट सा परफ्यूम लगाया हो आपने। हेयर्स बिल्कुल ना बड़े हो ना छोटे हों, नॉर्मल एवरेज हो। अगर गर्ल्स की बात करें तो फॉर्मल ट्राउज़र या शर्ट्स वो डाल सकती हैं। सूट्स हैं जो वो मल्टी कलर अवॉइड करें। लाइट मेकअप हो, हील्स ज़्यादा लाउड ना हो। अगर वॉच डालें जेंट्स, और मोबाइल जो है वो आपके साइलेंट्स पे हों और वो ज़्यादा आवाज़ ना करें हील आपकी। देखिए, अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, सेकंड सेक्शन की। देखिए, डॉक्यूमेंट में क्या है कि जो फोल्डर है आपका वो ग्रे, ब्लैक और ब्लू आप रख सकते हैं, वो प्रोफेशनल कलर्स माने जाते हैं। रिज्यूम की 3 कॉपीज होनी चाहिए आपके फोल्डर्स में। जो क्वालिफिकेशंस प्रूफ हैं उसके 3 सेट्स होने चाहिए। एक्सपीरियंस लेटर्स हैं अगर उसकी कॉपी हो, और आपने कोई एक्स्ट्रा अचीवमेंट्स किए हैं या अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो आपको लिखी होनी चाहिए। रिज्यूम है वो एटलीस्ट 2 पेजेस का होना चाहिए विद कवर लेटर होना चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अपने फोल्डर में रखिए, अगर जरूरत पड़ जाती है तो आप उसको दे सकते हैं। अब लास्ट एंड फाइनल बात इन्फॉर्मेशन की। देखिए, जब भी आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाएंगे तो सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है, और कॉन्फिडेंस के लिए आपको लाइफ में नॉलेज की बहुत ज़रूरत पड़ती है। इन्फॉर्मेशन अबाउट कंपनी में क्या, अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है कि किस कंपनी में जाना है, तो कोई नॉन पर्सन से इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कीजिए, नहीं तो इंटरनेट से कोशिश कीजिए। कंपनी कब बनी थी, इसका वर्क प्रोफाइल क्या है, डेजिग्नेशंस क्या क्या हैं, कंपनी का विजन मिशन क्या है, क्या स्ट्रेंथ है, कहाँ पे ब्रांचेज हैं, क्या क्या काम करती है। दूसरा, आपको अपने डेजिग्नेशन के बारे में जितनी अच्छी और ज़्यादा नॉलेज हो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इंटरव्यू में आपको हेल्प करेगी। उसके इसी के अंडर आ जाता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। देखिए, अगर आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा और यू आर रिस्पॉन्सिबल और नॉट। ये चीज़ को माइंड में ध्यान रखिए, आप इंटरव्यूज दीजिए। और जब आपको पता चल जाएगा आपकी डेजिग्नेशन, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट है वो है स्किल्स रिक्वायर्ड। जो पोस्ट के लिए आप जा रहे हो उसके लिए क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, अगर आपको मालूम है, आप उसको प्रिपेयर करके जा रहे हो और इंटरव्यूअर के सामने आप शो कर रहे हो कि ये स्किल्स मेरे पास ऑलरेडी हैं, उसके बोलने से पहले ही आप अपना एक्सप्रेस कर रहे हो कि दीज स्किल्स आर इन माई पर्सनैलिटी, तो आपका इंटरव्यू बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपकी इंटरव्यू से पहले की आ जाते हैं। और कुछ जनरल चीज़ें हैं, टाइम पे पहुँचिए इंटरव्यू से, एटलीस्ट 15-20 मिनट पहले वहाँ पे पहुँचिए। वहाँ पे पहुँच के आपने किसी से नेगेटिव टॉक नहीं करनी है, बिल्कुल फॉर्मल और सही पोजीशन में बैठिए, और अपनी एक जो आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है वो रिसेप्शन से इंटरव्यूशन लीजिए। थोड़ा सा पानी सिप सिप करके पी सकते हैं, टेंशन ना हो आपको, कोई भी नेगेटिव टॉक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ा और अच्छा पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आजकल उन्होंने अपने लॉग्स भी कुछ मिक्स किए होते हैं ताकि लोगों की मेंटेलिटी और फीडबैक उनको मिल सके। तो चलिए, बस ये चीज़ें हैं इंटरव्यू से पहले, इसको कोशिश कीजिए अपना ध्यान में रखने के लिए। और आई होप कि आप एक अच्छा इंटरव्यू देंगे, अपना करियर बहुत ज़्यादा अच्छा बनाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड उसको सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।